हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीनोमियल का पार्ट 11। इसमें स्पेशली जो आपके 2.5 एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे आज हम उनको सॉल्व करेंगे। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, दैट्स व्हाई हम उन्हीं का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको बता रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन 12 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो क्वेश्चन 12 में कह रहे हैं वेरीफाई डेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस सी एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड फर्स्ट ब्रैकेट में और इनटू में सेकंड ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं हम, तो देखिएगा आरएचएस को हम यहाँ पे लेके चलेंगे। आरएचएस हमने यहाँ लिया 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड सेकेंड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना ये होगा कि हम यहाँ पर एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर वाई माइनस जेड के होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को एक्सपेंड करते हैं। तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। वाई माइनस जेड के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को एक्सपेंड करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड और जेड माइनस एक्स के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को एक्सपेंड करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स। ठीक है, आइडेंटिटी को एक्सपेंड करने के बाद हम जैसे कि देख सकते हैं सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर की टर्म वहाँ पे टू टाइम्स आ रही है तो इसको हम लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर की टर्म भी वहाँ पे टू टाइम प्लस में है तो उसको भी लिख सकते हैं प्लस के टू वाई स्क्वायर। ऐसे जेड स्क्वायर की टर्म भी जो है टू टाइम्स वहाँ पे प्लस में आ रहे तो उसको भी लिख सकते हैं टू जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया टू वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हो गया टू जेड स्क्वायर, माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स वहाँ पर एज इट इज। अब सेकेंड ब्रैकेट में आप देख सकते हैं हर एक टर्म में टू कंटेन है क्योंकि टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स सभी में टू कंटेन है, दैट मीन्स हम टू इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो टू जब कॉमन लेंगे तो ये टू को सबसे बाहर ले आएंगे हम, तो ये आ जाएगा बाहर 2/2 और ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज रहेगा और इसमें टू कॉमन लेने के बाद ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इंटू में सेकंड ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और जैसा कि आप जानते हैं ये आइडेंटिटी होती है और ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड के। ठीक है, इसको हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 12 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप सभी को करना है, समझना है, आपको करना ये है आरएचएस को यूज़ करना है। सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको तीनों ब्रैकेट्स में एक्सपेंड करनी है, जो टर्म्स प्लस हो रही है उनको प्लस कर देना, फिर उनमें से टू कॉमन ले लेना, टू बाहर आके कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो आइडेंटिटी के इक्वल होगा, यही हमें प्रूव करना था। 13 क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहे हैं इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो देन प्रूव डेट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ईजी भी है। वो किस तरीके से कर सकते हैं, हालांकि आपको पता ही आइडेंटिटी होती है, यहाँ पर हमें एक तरीके से आइडेंटिटी को ही प्रूव करना है। तो लास्ट हमारी आइडेंटिटी थी वो यही थी, तो किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, शायद अगर आपको याद हो हमने प्रूफ भी वहाँ पे करके दिखा रखी है, तो एक बार वो देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड की आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं जो हमने कल वाले क्लास में डिस्कस की थी, जो कि किसके इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड फर्स्ट ब्रैकेट में और इनटू में सेकंड ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब क्योंकि हमें गिवन था एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो तो हम इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस पर जीरो पुट कर देते हैं, तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस सी एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब जब आप आरएचएस में जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो सब जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। अब ये जो थ्री एक्स वाई जेड वाली टर्म है उसको हम उधर ले जाते हैं आरएचएस में, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। तो ईजिली ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे किया, सबसे पहले हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड की आइडेंटिटी को यूज़ किया। उस आइडेंटिटी में क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो था तो हमने आरएचएस में एक्स प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस पे जीरो पुट कर दिया, जिससे आरएचएस जीरो के इक्वल हो गई। फिर माइनस एक्स वाई जेड को आरएचएस में ले जाएंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड, और यही हमें प्रूफ करना था। आगे देखिएगा क्वेश्चन 14, ये कह रहे हैं विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें ये जो नंबर्स आपको गिवन है सामने, उन नंबर्स की क्यूब को सॉल्व नहीं करना है और हमें इसकी वैल्यू को इवेल्यूएट करना है बिना क्यूब को सॉल्व करे।
तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपको बता दें, एक कंडीशन है, एक आइडेंटिटी है जो लास्ट वाली अभी हमने डिस्कस की थी कि तीन नंबर की क्यूब कसम, डैट मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल होता है 3ABC के, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो उसी आइडेंटिटी को यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से हम इसको बिना क्यूब सॉल्व करें इवेल्युएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम करते हैं क्या, ये जो तीनों नंबर हैं माइनस के 12, 7 और 5, इनको हम ए बी और सी लेट कर लेते हैं। तो हमने माइनस 12 को यहाँ पर ए लेट किया, 7 को बी लेट किया और 5 को हमने सी लेट किया। इसके बाद हमने ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों को प्लस किया, तो माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 इन तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 0 के। अब क्योंकि a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं। और आइडेंटिटी क्या होगी, तो आइडेंटिटी ये होगी, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, दैट मीन्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल होता है 3ABC के। इसमें हम ए बी सी की वैल्यू को प्लेस कर देते हैं, a के प्लेस में माइनस के 12, b के प्लेस में 7 और c के प्लेस में 5, तो ये बन जाएगा माइनस 12 की होल क्यूब प्लस 7 की होल क्यूब प्लस 5 की होल क्यूब इक्वल टू 3 इंटू माइनस 12 इंटू 7 इंटू 5। अब RHS को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा कितना, माइनस के 1260। और इस तरीके से हम बिना क्यूब सॉल्व करें इस जो ये सॉल्यूशन, मतलब जो जो क्वेश्चन था, इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी तीन नंबर की क्यूब कसम आपको फाइंड आउट करना हो बिना इनकी क्यूब को सॉल्व करें, तरीका ये होगा, पहले आप तीनों नंबर्स को जो नंबर वहाँ पे गिवन है उनको ए बी सी लेट कीजिएगा और चेक कीजिएगा क्या उनका सम जीरो के इक्वल है या नहीं है। अगर उनका सम जीरो के इक्वल है तो आप यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिटी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC। ठीक है, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में भी हमने जो ABC लेट किया तो उनका सम जीरो आ गया था, हमने आइडेंटिटी को यूज़ किया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC और वहाँ पर फिर ABC की वैल्यू को पुट करके RHS को सॉल्व करने पर इनका क्यूब का सॉल्यूशन जो था बिना क्यूब को सॉल्व करे आइडेंटिटी सम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गिव द पॉसिबल वैल्यूज, सॉरी गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज 35y² प्लस 13y - 12। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल के एरिया है 35y² प्लस 13y - 12। अब इसकी हेल्प से हमें रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ के पॉसिबल एक्सप्रेशन जो हमें इनको फाइंड आउट करना है। तो एरिया से अगर आपको कभी भी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना हो तो कैसे कर सकते हैं, आपको बता दें रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ के इक्वल होता है। इट मीन्स आपको करना क्या होगा, एरिया को टू एक्सप्रेशन, टू फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में या टू पॉलीनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एरिया एल इंटू बी के इक्वल होता है। तो डेट्स वाई इस एरिया को भी हम एल इंटू बी की फॉर्म में लाने के लिए इसको हम टू पॉलीनोमियल के फैक्टर्स की, टू पॉलीनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, और ऐसा हम कर सकते हैं इसके फैक्टराइजेशन करके। तो इस वजह से हम यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में होना क्या चाहिए, भी हमें ऐसे टू नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 35 × 12, दैट मीन्स 420, और माइनस करके 13। तो ऐसे टू नंबर्स कौन कौन से होंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 420 आ जाए, माइनस करें तो 13 आ जाए, तो वो होंगे 28 और 15। तो यहाँ पर हमने 13y के प्लेस पे लिख दिया 28y माइनस के 15y। अब हमने फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लिया, तो फर्स्ट टू टर्म में से 35y² प्लस 28y में से हमने 7y को कॉमन लेंगे, तो ये ब्रैकेट में बचेगा 5y + 4, आई थिंक कॉमन लेना अब आपको अच्छी तरीके से आ गया है। लास्ट टू टर्म में से माइनस के 3 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 5y + 4, 5y + 4 दोनों ब्रैकेट्स में ये हम इसको कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 7y - 3। तो कुल मिला के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ये पूरा जो एरिया था वो आपके दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल कर आ गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इनटू बी के, और जो रेक्टेंगल के एरिया में यहाँ पे गिवन है वो इक्वल हो गया किसके, 5y + 4 इंटू 7y - 3 के। तो अगर हम इनको हम कंपेयर कर देते हैं तो हम देख सकते हैं लेंथ हो जाएगी 5y + 4 और ब्रेथ हो जाएगी 7y - 3। हालांकि अगर आप इसे चेंज भी कर देते हैं, लेंथ को 7y - 3 कह देते हैं और ब्रेथ को 5y + 4 भी कह देते हैं, वो भी बिल्कुल करेक्ट ही होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दो नंबर प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो आप उन्हें एल इंटू बी लिखें या बी इंटू एल लिखें वो एक ही बात होगी। तो इनमें से एक एक्सप्रेशन जो होगा वो लेंथ हो जाएगा और एक एक्सप्रेशन जो होगा वो ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन में कहें कि एरिया आपको गिवन है, लेंथ और ब्रेथ आपको निकालना है, तो आपको करना सिर्फ ये होगा कि जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है आप उसको फैक्टराइज कीजिएगा, आइडेंटिटी से हो या किसी भी तरीके से उसको फैक्टराइज कीजिएगा। फैक्टराइज करने पर क्या होगा, वो एक्सप्रेशन वो पॉलीनोमियल टू और मोर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा, जिनको कंपेयर करके हम उनकी हेल्प से लेंथ ब्रेथ या बाकी जो डायमेंशन वो पूछी जाएगी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं।
एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें हमें 3a-2b की होल क्यूब प्लस 2b-5c की होल क्यूब प्लस 5c-3a की होल क्यूब को सॉल्व करना है। अब आपको लगेगा कि सीधा सीधा तीनों में a-b की होल क्यूब आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर दें, लेकिन आपको बता दें क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स की क्यूब कसम हमें फाइंड आउट करना है, और कभी भी 3 नंबर की क्यूब कसम अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए क्या इन तीनों नंबर कसम 0 के इक्वल है या नहीं। अगर इन तीनों कसम 0 के इक्वल होगा तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं a³ + b³ + c³ = 3abc वाली। तो वही चेक करते हैं पहले हम, इसमें हम 3a-2b को ऐड कर लेते हैं a, 2b-5c को ऐड कर लेते हैं b, और 5c-3a को ऐड कर लेते हैं c। फिर a+b+c यानी तीनों का सम करके देखते हैं, तो तीनों का प्लस जब हम करेंगे तो हम देख सकते हैं तीनों को प्लस करने पर इनका सम आ जाएगा 0। अब क्योंकि तीनों का सम 0 के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि a³ + b³ + c³ जो होगा वो 3abc के इक्वल होगा। इसी वजह से हम इसमें LHS में और RHS में फिर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3a-2b की होल क्यूब प्लस 2b-5c की होल क्यूब प्लस 5c-3a की होल क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 3 × 3a-2b इंटू 2b-5c इंटू 5c-3a। ठीक है, इस तरीके से इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे रहे हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, तो इनको आप होमवर्क में जरूर करिएगा। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है जिसको मैं फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन ये है कि x³ = 6 - 729। ठीक है, अब इस पॉलीनोमियल को हमें फैक्टराइज करना होगा, तो किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पावर 6 है तो आपको लगेगा पावर 6 के लिए तो कोई आइडेंटिटी थी नहीं, तो हम करेंगे क्या इसको सॉल्व करने के लिए, हम इसको क्योंकि जो पावर 6 है तो पावर 6 को हम पावर 2 की होल पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, या पावर 3 की होल पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए हम करेंगे कि पावर 6 को हम यहाँ पर अरेंज कर देते हैं x³² ठीक है, यानी कि पहले हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको लिख दिया हमने x³ को x³² और 729 को लिख दिया हमने 27² अब ये जो एक्सप्रेशन है वो a² - b² की फॉर्म में है, तो ये हम आइडेंटिटी यूज़ कर देते हैं a+b × a-b की, जो हो जाएगा x³ + 27 और x³ - 27। अब x³ + 27 में भी देखिएगा x³ को लिख सकते हैं x³³, 27 को लिख सकते हैं 3³, और x³ - 27 में भी x³ को x³ और 27 को 3³ लिख सकते हैं। तो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है x³ + 3³, तो इसमें आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी a³ + b³ की, जो कि किसके इक्वल होगा a+b × a² + b² - ab। उस आइडेंटिटी से ये बन जाएगा हमारा x+3 × x² + c² - 3x, और x³ - c³ को लिख सकते हैं ये x³ - 3 × x² + c² + 3x। तो डैट मीन्स ये आ गया x+3 × x-3 और x² + 9 - 3x और x² + 9 + 3x। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी पावर 6 हो तो पहले आप इनको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें। तो डेट से हमने x+6 को x³ को होल स्क्वायर लिखा, 729 को 27 का स्क्वायर लिखा, a² - b² की हमने आइडेंटिटी को पहले यूज़ किया। आइडेंटिटी को यूज़ करने के बाद जो दो फैक्टर्स बनकर आएंगे उनको हम होल क्यूब की फॉर्म में लिख सकते थे, जैसे पहले वाले को हमने लिखा x³ + c³, डेट्स वाई फिर हमने उसमें a³ + b³ की आइडेंटिटी को यूज़ किया। जो सेकेंड फैक्टर था उसको हम लिख सकते हैं a³ - b³ की फॉर्म में, उसमें हमने a³ - b³ की आइडेंटिटी भी यूज़ किया। इस तरीके से इसके सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट हो गए। तो इनके बेसिस पर आज आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो इनको आप घर पे करके देखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है, थैंक यू।